नजर में जमाले हबीबे खुदा, है नजर में जमाले हबीबे खुदा, जिसकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है नजर में जमाले हबीबे खुदा, जिसकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहां, जो नबी के पसीने में मौजूद है। जनाब तो आज आखिरी दिन है और मेरा आज इस्तांबुल में तुर्की में आखिरी दिन है और इंशाल्लाह कल रवानगी है वापसी पाकिस्तान। तो बस थोड़ा सा दोबारा से हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे हाज़िरी दी, क्योंकि यहाँ पे रूहानी सुकून मिलता है और आपको पता है जो सुकून के अलावा अगर दिली सुकून जहाँ पे मिले इंसान को वहाँ जाना चाहिए। तो बस बारिश हो रही है, तीसरा दिन है, बारिश लगातार हो रही है इस्तांबुल में। तो बस आज थोड़ा सा व्लॉग में आपको आसपास के एरिया भी दिखाऊंगा और आपसे बातें भी करूंगा इंशाल्लाह। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बाकी व्लॉग्स आप देख चुके होंगे मेरे, बस लास्ट व्लॉग ये आप देखेंगे। इसके अलावा इस कैंप पे भी मैंने व्लॉग्स बनाया है, वो भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। और उसके अलावा और भी एक दो व्लॉग्स आने वाले हैं, वो भी आप लाजमी देखिएगा। तो यहाँ की कुछ शॉपिंग मैं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं ले चुका हूँ देखें मेरे हाथ में, और कुछ ले रहा हूँ, लास्ट डे है, कुछ शॉपिंग भी हो जाए तो मज़ा दुबाला हो जाता है टूर का। बाकी तो इस्तांबुल में जो कुछ हुआ है इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपके साथ डिस्कस करेंगे, स्कैमर के हवाले से भी, इसके अलावा भी इंशाल्लाह। तो ये बड़ी पुरसकून जगह है, पुरनूर जगह है और सहाबी रसूल की मतलब है कि मज़ार शरीफ है यहाँ पे और मस्जिद है, बहुत ज़बरदस्त प्यारी मस्जिद है। आसपास छोटी सी मार्केट भी है और करीब में एक और भी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी, आपको मज़ा आएगा। तो आप लाजमी इंशाल्लाह जो है देखें आप माशाल्लाह से। हमारे दोस्त शॉपिंग कर रहे हैं दोनों यहाँ पे, तो ज़बरदस्त व्यू है जनाब। आसपास आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ की तारीखी इमारतें, यहाँ का कब्रिस्तान और आसपास के मनाजिर, आपको मज़ा आएगा माशाल्लाह से। देखें परिंदे किस तरह से चहचहा रहे हैं, लहला।
जनाब तो मैं पहुंचा हूं बकलावा लेने। यहां की फेमस डिश है तुर्की की बकलावा, वेरी फेमस डिश। और मैं कहा कि अगर बकलावा नहीं लेके गया तो मज़ा नहीं आएगा पाकिस्तान में। तो मैं ये बाई की दुकान है सफ़ा, ये है अयूब सुल्तान मॉस्क के सामने। अयूब सुल्तान अगर आप आएंगे हज़रत अयूब अंसारी के मज़ार पर, तो बिल्कुल सामने, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही रीज़नेबल रेट है। मुझे भाई ने 50 का ये 1 kg दिया, हालांकि यहाँ 70, 80 और 60 रुपए से कम नहीं है बकलावा। ज़बरदस्त मिठाइयाँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ सारी मिठाइयाँ। ये आप देखें माशाल्लाह से, ये बकलावे की मिठाइयाँ जनाब, ये पैकिंग की जा रही है ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह। जनाब ये क्या किस तरह? ये देखें जनाब, पैकिंग कर रहे हैं मिठाई को, किस तरह से पैक करते हैं। ये हमारे माशाल्लाह भाई कातिश माशाल्लाह। क्या नाम है? योर नेम? इब्राहिम। माशाल्लाह सुबह सटाओ सोने दो, कह रहे हैं। इब्राहिम भाई की दुकान है सफ़ा, सफ़ा अयूब सुल्तान मॉस्क पे। ये हमारे भाई, योर नेम? मिर्ज़ा। माशाल्लाह मिर्ज़ा भाई, जनाब तो ये हमने बकलावा ले लिया इनसे डिस्काउंट प्राइस पे, गुड मैन, थैंक यू वेरी मच। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जगह पे, इनकी दुकान पे आए आपको सस्ते में बकलावा मिलेगा और आप ज़रूर परचेज करें। जनाब तो मेरा लास्ट डे है यहाँ पे, और टर्की में मैंने लास्ट 2 रातें, अबीसो होटल है यहाँ पे इस्तांबुल में, बहुत ही ज़बरदस्त होटल है यकीन करें। मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिली इसको बताने के लिए, लेकिन जिस तरह इन्होंने वेलकम किया, जिस तरह इन्होंने मोहब्बत दी, यकीन करें आई नेवर सीन बिफोर। मैंने कभी ऐसी मोहब्बत, ऐसी यकीन करें वेलकम होटल वालों को नहीं देखा, और अभी तक आई नेवर सी, मुझे लगता है शायद मैं अपने घर में हूँ। तो मैं थोड़ा सा रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि कभी भी आप आना चाहें और रहना चाहें सस्ते में, तो आपको सस्ते में चीप रूम मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट भी इनका बहुत अच्छा है, ब्रेकफास्ट भी इनका बहुत हेल्थी होता है, मॉर्निंग में आप कर सकते हैं। और टी और कॉफ़ी 24 आवर फ्री है, वो आप जब भी टेरेस पे जाके पी सकते हैं, ज़बरदस्त सिस्टम है। और यहाँ की जो मैनेजर है नजवा, ये बहुत ही, ये है मैनेजर जनाब नजवा, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही मेहनती है, और बहुत ही यकीन करें आप ऐसा वेलकम देंगी कि देंगे आप, यकीन करें दिल नहीं चाहेगा आपको इस होटल से जाने के लिए। तो हमारी फ़्लाइट मिस हो गई थी, उसकी स्टोरी मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। तो ये है लास्ट डे और हमारा, ये मैडम नजवा है, और इनके होटल को लाजमी आपने विज़िट करना है, ठीक है? तो नजवा, व्हाट अबाउट यू, से अबाउट योर होटल, से समथिंग अबाउट। दिस इज़ लाइक माय हाउस। ओके, what is your, this is like my hotel, this is like my house. Okay, what's quality in your hotel, you say something in 2 words, which quality is very better another hotel? Sir, very better. Why? I'm from my heart here. Okay, good. Client here, not really client for me, like my like big family. Good. तो जनाब ये आपको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, और इसलिए इस होटल का मैंने आपको रिव्यू दे दिया है। और आप, उम्मीद करता हूँ आप भी इसको विज़िट कीजिएगा, booking.com पे भी आपको मिल जाएगी, और agoda.com पे भी आपको इसकी बुकिंग मिल सकती है। आप अबीसो होटल सर्च करें और शो हो जाएगी, ठीक है? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। And assalamu in Pakistan. Assalamu alaikum Pakistan. Other thank Pakistan. Wa alaikum salam. Alaikum salam, just Arab. But I'm too in Pakistan. Same. Anything Pakistan. I told him. Zinda Pakistan, zindabad. Zindabad. छोड़ना तेरा
तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब कुछ मदीना नहीं, पर मदीने में जन्नत भी मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। नजर में जमाले हबीबे खुदा, जिसकी तस्वीर सीने में मौजूद है।